प्लॉट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपोजिशन के बारे में। एक्सपोजिशन क्या होता है? द स्टार्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी इज नोन एज एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में जैसे कि हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बिग किंग ऑफ लंदन, तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपोजिशन हो जाएगा। द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट रीडर्स मस्ट हैव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इज नोन एज एक्सपोजिशन। दिस इज़ वेयर कैरेक्टर्स आर एंड सेटिंग्स आर इंट्रोड्यूस, जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स के बारे में, सेटिंग्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये एक्सपोजिशन होता है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वंस अपॉन अ टाइम वॉज देयर वॉज दिस दिस दिस, तो ये स्टार्टिंग हम लोग जैसे कर रहे हैं ये हमारा एक्सपोजिशन हो जाए। नेक्स्ट है हमारा राइजिंग एक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय राइजिंग एक्शन? ऑल द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस लीडिंग टू क्लाइमैक्स, ठीक है, ऑल द इवेंट दैट टेक्स प्लेस लीडिंग टू क्लाइमैक्स नोन एज राइजिंग एक्शन। दिस इज वेयर द रीडर्स इज इंट्रोड्यूस टू कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे जो रीडर्स होते हैं हमें कन्फ्लिक्ट से मिलाया जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्लाइमैक्स। व्हाट डू वी मीन बाय क्लाइमैक्स? द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। जब भी हम कोई सा भी मूवी देखते हैं या कोई सा भी सीरियल देखते हैं या कोई सा भी नॉवल पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज नोन एज क्लाइमैक्स। अब यहाँ पे देखोगे आप हेयर द स्टोरी इज टर्न इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, स्टोरी को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाया जाता है, ठीक है, कंक्लूजन की तरफ थोड़ा मोड़ा जाता है। मूवमेंट ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो बोलते हैं मम्मी चुप रहो, बोलो मत, हम पिक्चर देख रहे हैं। अगर हम नॉवल पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसमें डूबे हुए हैं, तो हम लोग बोलते हैं भाई चुप रहो, हम अभी क्लाइमैक्स पे हैं, हम अभी मूवी देख रहे हैं, हम अभी स्टोरी पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है। समझ में आया? अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉलिंग एक्शन के बारे में। सो फॉलिंग एक्शन, द इमीडिएट रिएक्शन टू द क्लाइमैक्स। देखो क्लाइमैक्स हो गया, क्लाइमैक्स समझ चुके हो आप। क्लाइमैक्स के बाद तुरंत बाद आता है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन होता है जिसमें कि इमीडिएट रिएक्शन होता है। ऑल द एक्शंस दैट अकर आफ्टर द क्लाइमैक्स एंड बिफोर कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि जो इवेंट हो रहा है वो थोड़ा सा रिजॉल्व होने लगता है, ठीक है। वो चाहे मूवी हो, वो चाहे स्टोरी हो, वो चाहे कोई सा भी सीरियल हो, फॉलिंग एक्शन में यही होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस